डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप में एक बार फिर ट्रॉफी जीतने की बड़ी दावेदार दिख रही है। इस वर्ल्ड कप में धीमी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम धीरे धीरे पूरे लय में आने लगी। पहले मैच में तीन बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आयरलैंड ने जमकर टक्कर दी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रास्ते में जो भी आया उस टीम को मुंह की खानी पड़ी। आयरलैंड को 2-1 से हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया, चीन को 11-0 से रौंदा और फिर नॉकआउट दौर में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को भी 3-0 से पटखनी दे दी। मौजूदा टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के फॉरवर्ड ब्लैक गवर्स ने 6 गोल दागे हैं, जिसकी वजह से हर टीम उनसे सतर्क रहती है। गवर्स के अलावा एडी ऑकेंडेन, वीटन जेक, ट्रेंट मिल्टन और टाइलर लॉवेल ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1986 के अलावा 2010 और 2014 में भी वर्ल्ड कप जीता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया 2018 में भी फाइनल जीतकर लगातार तीन बार वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा करने वाली पहली टीम बन जाती है तो इसमें किसी को अचंभा नहीं होगा।